हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मैन विल बी मैन। यस, समझ गए होंगे मीम्स है। हाँ जी, थग ऑफ मीम्स का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहिए आप चेक कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं मैन विल बी मैन। देखो मैं देखते थग ऑफ मीम्स तो 50 का नोट बना दूं, 50 का बना हाथ कर रखो, अच्छा इतना ही पैसा ये बना रहे तो खुद के लिए क्यों नहीं बना? मैं बढ़ा दूंगा, देखो सब आ कितने का है, सस्ता है, बोलो बढ़ा दो 50 का, बना दो 50 का, लाओ मशाने 50 का नोट लाओ, बोलो कितना पैसा बढ़ा दूं? 40,000। 40,000 है खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। सर मेरे पास सुनो, मेरे को खेत पे आज मैंने पालन कर रखी, मैंने बना रुपए का दारू पी लिया था तो मैं वहाँ पे बाल्टी में बैठा था, फिर खेत पे आया और वहाँ पे मेरी चोरी हो गई। काय की चोरी हुई? काय की चोरी थी बता। मंडल माचिस कौन लगी वहाँ पे? मंडल माचिस की महल का बजर सामना चोरी पे सामना कभी आर पार का रेड ट्रेंड मंडल माचिस के लिए फोन नंबर लगा दे इसकी मां का लड़का मेरा है दो चापड़ के भोसड़ी के, तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए? नहीं भैया। नाम क्या है? वो भी नाम मेरा मंगरू है। तो मंगरू जी, इन फ्यूचर आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? जिसमें तुम राजी हो जाओ। बड़ी मस्ती करता तू। जिसमें मैं राजी हो जाऊँ। बड़ी कहीं भी पहुँच जाए। सकल देखिए कभी अपने आईने में? तुमने देखी है? हाँ देखी है, बिना मेकअप के। हेलो, हाय, कहाँ से हो? कहाँ से हो? आई लव योर व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। बस इतना कॉन्फिडेंस है। काम पे तो आई नो। आपकी जॉ लाइन बढ़िया है। आप भी काफी स्मार्ट हो। काम पे तो आई नो। लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। तो आपका पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दो ना, आपसे बात करना है। क्या आप कमा रहे हो? शादी करोगे? नशे में हो? नहीं। तो ऐसे क्यों बात कर रहे? मेरी आवाज ही ऐसी है, नशीली है मेरी आवाज। इतने बुरे लोग आधार कार्ड में भी नहीं लगते। नशीली है मेरी आवाज। क्या चांद पे एलियंस मौजूद हैं? देखिए दोस्तों, आइंस्टाइन तक ने अपनी झांटे मुड़वा ली लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। तो यदि एलियंस हैं तो कहां अपनी मां चुदवा रहे हैं? सामने क्यों नहीं आते? क्या उनकी गांड फटती है इंसानों से? जहां तक सबूतों की बात है, सबूतों की मां का भोसड़ा सारे के सारे नकली हैं। लेकिन दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस हमारे बीच ही मौजूद हैं। यदि आपको किसी पे शक है तो उस घुसपैठिए गंडवे को टैग करना ना भूलें, सावधानी बरतें, वरना एलियन के हाथों गांड गवाना बेहद भारी पड़ सकता है। ओ यार, बैठा हवा जाएगी। आप करें तो रासलीला, हम करें तो करकटी। रहा नहीं जाता। प्रैंक करने आए थे, देर से अब तो हो ही गया है। हाँ ये वाला मैंने देखा है, आगे ना वो। अरे चाचा ऐसे दाएं तरफ आ रहे हो? चाचा को गाली देके जा। ए मचल चल। मादर आजा। A few moments later. ये हमारा दोस्त भाई राइडर, पहले देखिए पैर तोड़वाया, उसके बाद घुटना फोड़वाया, उसके बाद घूर घूर के आके सर फोड़वाया, इतना तो फोड़वे भी किया, बाद में आके हाथ भी तोड़वाया। इसीलिए बोलते हैं बाबू ज्यादा राइडर मत बनो, यूट्यूबर मत बनो, चक्का उठाओगे तो तीन लकड़ी में पाओगे। किस कदर गाली है। इन द केस मिस्टर राजेश, यस सर, कैन यू टेल अस आवर इंडक्शन मोटर स्टार्ट?
खुद तो मरेगा मरेगा, हमें भी मरवागा। देखा था ये वीडियो कितना मजेदार था। नहीं ले सकते वो, देख रेस्त्री का सलमान खान, ये बढ़िया। डेढ़ करोड़ पैकेज थे। अरे ये लटक रही टिप। आने में ना नींव नहीं छोड़ दूंगा। मेरी क्यों मारी? आप ग्लास फेंक के मारेंगी मेरा सर फट जाएगा। मैं आपको क्यों मारूंगी? मेरी अम्मा के साथ साउथ अफ्रीका जाना। हाँ नहीं तो यहीं बैठेगा, यहीं रहेगा जब तक तुम दे नहीं देते पैसे। पैसे ही था ना? अरे इतनी सारी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये झूठ ज्यादा लड़के बोलते हैं लड़कियाँ? लड़के ज्यादा झूठ बोलते हैं। खाओ माँ कसम। क्या आप झूठ बोलते हैं लड़के? ये झूठ बोलते हैं कि मैं सिर्फ तुमसे ही बात करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करता। एक्चुअली मैं कितनी होती हूँ? बहुत ज्यादा होती हैं। गुजरती लड़के को बोल देते हैं नंबर दे दो। आपको दवाई लेनी हो तो लो, यहाँ ड्रामा मत करो, और भी पेशेंट बैठे हैं। ओ भाई ओए ओए ओए, क्या है भाई यार, आराम से बात करिए, और भी पेशेंट है भाई। और भी पेशेंट है तो ये डॉक्टर है, साले एमबीबीएस डॉक्टर कहता है अपने आप को, झोला छाप डॉक्टर है ये, इसको खुद इलाज की जरूरत है, दिमागी रूप से आपका। भाई ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? पिछले कुछ दिनों से भूख नहीं लग रही है मुझे, है ना? अच्छा। घर वाले कह रहे हैं एकदम हड्डल हो गया है, सूखता जा रहा है, मरीज हो गया है, ले जा पैसे डॉक्टर के यहाँ, इलाज करा ले, दवाई लिया। अच्छा हाँ, दवाई लेना है मैं यहाँ पे, तो मेरे को ये भूख लगने की दवा दे दी है इन्होंने। अरे तो भाई जब भूख लगने की दवाई चाहिए तो डॉक्टर साहब वही तो देंगे। भूख लगने की दवा दी है ठीक है, मैंने पूछा खाना कब है तो कह रहे खाना खाने के बाद। लड खाना खा ही लेता मैं, फिर ये दवाई क्यों लेने आता? बेचारा नरेली के टिकरी खुर्द गांव में 62 साल के एक बुजुर्ग के परिवार ने दावा किया है कि आज सुबह उनकी मौत हो गई थी। ये खबर अखबार में भी छप गई? हाँ हाँ छप गई, छप गई। लेकिन जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया गया तो उनकी सांसें अचानक चलने लगी और उन्होंने अपनी आंखें अचानक खोल दी। शांत रहो, तुम डेड बॉडी हो। सोनी बाली करदा दिल मिलन नु काली कातों, तू डरदी कुड़िए लाली मेरे नाल जे यारी ओए होए, नी तू सोनी बाली कर। सो गाइस मैं अभी सो के उठा और इसको देखा, मेरा फोन हैंग कर रहा था, इसको मैंने रिबूट किया तो इस फोन 4G है और जी इसमें आई अभी यूनिट डलवाई है 5G। और इसमें देखो क्या शो कर रहा है, जियो 7G डायरेक्ट। असंभव भाई साहब, अलग ही फ्रीक्वेंसी मिल रही है। जियो 7G दिखा नहीं किसी पास में। पुलिस वाले हैं जो बिना हेलमेट के और हेलमेट नहीं पहने बाइक के, ये देख लो। हाँ तो तेरे बाप का खाया था। हाँ तो ये है, ये तो पुलिस है वो। हाँ हाँ अभी तो बताता हूँ मैं, रुको तो। तुम्हारा हेलमेट पहनना कुछ नहीं है, अबे तेरे को बताता हूँ मैं, तुरू चलना है तो सिस्टम के भाग क्यों रहा है, रुकना। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम वॉलंटियर हो गया। ऐसे लेकिन नहीं करना चाहिए। बस हवा निकल गई। एक आइडिया है मेरे पास। कहाँ जा रहा है ये कीचड़? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, जो कि मैं अपने में एक पूरी हीरे हीरो हूँ। अल्टो है अल्टो।
अंकल ये जो आईफोन का लोगो है इस पे चक किसने मारा है? चक किसने मारा? हाँ। किसने मारा? तेरे बाप ने मारा। निकल पहले फुर्सत में। ये बाप तक क्यों पहुंच रहे भाई? बस ये पहुंच रहे क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? हम तो वैसे तबे बैठे कारोबार की वजह से। बस ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ। पहली फुर्सत में निकल। अबे भाई तबे हुए, जाओ अपना काम करो। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। मेरे पापा ने ना एक बार किसी को फोन पे कहा था, मुझे याद है वो बात। उन्होंने कहा था कि एक होता है मनपसंद और एक होता सही। जब आप मनपसंद छोड़ते जाओ और सही करते जाओ तो समझ लो कि बड़े हो गए और बचपन मर गया। देखो देखो जैसे मेरे राधे वैसे कहां तेरे यहां थे। हां कितनी नादानी। जिम्मेदारियां काबिलियत देख के नहीं मिलती, जिम्मेदारियां काबिल बनाती हैं। आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा आप हमें कमेंट करके बताना। और ये लास्ट वाले जो मीम्स इसने डाला था ना, है सारे मीम्स का धजिया उड़ा दिया इसने। मेरे को तो बड़ा ऐसे ऐसे वीडियोस में मेरे को आर्ट टचिंग लगती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं मीम्स ही लेके आऊँगी क्योंकि मुझे भी देखने में मज़ा आता है यार, रिएक्ट करने में मज़ा आता है। किसी और की वीडियो उठा के ना उस पर रिएक्ट हो ही नहीं पाता, और मैं ना चाहती हूँ कि मैं जेन्युइन जैसे हूँ वैसे ही मतलब आपके सामने आऊँ, ये मुझसे नहीं होता। तो मैं मीम्स ही लेके आऊँगी आपके लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा मीम्स आपको चाहिए आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। ओके।